अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका राउंड नंबर 6 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, जिसमें यूनिट नंबर 7 जो है आपके टेस्ट में शामिल है। यूनिट नंबर 7 का आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.11 और 7.12, ये 6 न्यूमेरिकल जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो जिसका पहला न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करते हैं 7.1। 7.1 में मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर वो कहते हैं जी आप वुडन ग्लोब मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज अ मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो उसकी लंबाइयां हैं वो हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। इट मीन वॉल्यूम हमें गिवन है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें मैस जो गिवन है वो है 850 ग्राम। यहां पर मैस ग्राम में गिवन है और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें इसका सही आंसर मिल सके। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप चेंज करना चाहते हैं क्यूबिक मीटर में या मकम मीटर में, तो उसका तरीका कार क्या है, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये सिर्फ सेंटी का ही क्यूब नहीं है, ये ना ही मीटर का क्यूब है बल्कि दोनों का मुकम्मल क्यूब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटी का क्यूब अलहदा और मीटर का क्यूब अलहदा होगा। सेंटी की जो वैल्यू है, सेंटी की जो वैल्यू है वो आपको पता है इक्वल होती है 10^-2। अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो 10^-2^3 और मीटर क्यूब और 10^-6 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटीमीटर क्यूब है, अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 10^-6 मीटर क्यूब जो है वो साथ लगाना पड़ेगा, फिर ये क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट होगा। तो 2000 उसी तरह ये जब सेंटी की पावर 3 होगा तो 10^-6 आएगा और साथ ही मीटर क्यूब। मैस को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 में 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैस है वो 0.85 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने जो लकड़ी के ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस भी हमारे पास मौजूद है, वॉल्यूम भी हमारे पास मौजूद है, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मैस है 0.85 किलोग्राम और वॉल्यूम की वैल्यू है 2000 × 10^-6 क्यूबिक मीटर। तो यहां पर सबसे पहले ये जो 2000 में आपको 30 नजर आ रहे हैं इसको अगर हम खत्म करना चाहें तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट उस तरफ मूव करेगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 × 10^3 मल्टीप्लाई 10^-6। तो -6 में 3 ऐड करोगे तो आंसर आएगा -3, मतलब 2 उसी तरह 10^-3 जो है वो साथ आ जाएगा। किलोग्राम उसका यूनिट है मास का और क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। 0.85 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.425 और 10^-3 है बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो वैल्यू जो माइनस का साइन है वो खत्म हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहां से अगर ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट इस तरफ मूव करे तो क्या होगा, ये पावर खत्म हो जाएगी, यानी पावर रह जाएगी 10^0 और 10^0 किसकी इक्वल है 1 की, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लिहाजा 10 की ताकत 3 अगर खत्म करना चाहते हैं जिसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो 7.3। 7.3 जो है ये इसके तीन पार्ट, इसके अंदर तीन जूस जो है इसके
हमने अलग अलग सॉल्व करने हैं, सब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, जो पहला इसका पॉइंट है 7.3 पार्ट नंबर 1, कहते हैं कि एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक लोहे का स्फीयर है, द डेंसिटी ऑफ जिसका जो मास है वो 5 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसकी जो डेंसिटी है वो है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, मास ओवर डेंसिटी, मास की वैल्यू भी है डेंसिटी की वैल्यू भी है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.1 मल्टीप्लाइड 10 एक्स बार माइनस 4 क्यूबिक। 7.3 का सेकेंड पार्ट जो है इसकी स्टेटमेंट को कहता है 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, कहता है कि 200 ग्राम का एक लेड का हमारे पास एक जिस्म है जिसकी डेंसिटी कितनी है 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, आप वॉल्यूम फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ग्राम में ये वैल्यू दी हुई है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, डेंसिटी की वैल्यू ठीक है क्योंकि ऐसे यूनिट में गिवन है। अब वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम का फार्मूला है वी इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो स्टूडेंट सब क्या करेंगे कि इस फार्मूला में मास की वैल्यू पुट की, डेंसिटी की वैल्यू पुट की और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 5 क्यूबिक। उसके बाद 7.3 का जो थर्ड पार्ट है वो है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अ गोल्ड बार ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम की एक सोने की एक बार है जिसकी डेंसिटी कितनी है 98,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला वही है जो हम पिछले दो वेरिएबल्स में लगा चुके हैं, P इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, मास कितना है 0.2 किलोग्राम और इसकी डेंसिटी कितनी है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.04 मल्टीप्लाई 10 इस बार माइनस 5 क्यूबिक। तो ये फर्स्ट टू वेरिएबल्स जो है 7.1 और 7.3 जो है आज के टॉपिक हमने कर लिए, बाकी चार वेरिएबल्स आपके रहेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।